नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप के ऊपर है, जो कि बच्चों की यानी बहुत छोटे बच्चे यानी एक दिन से लगा के 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सर्दी जुकाम खांसी बलगम वाली और सांस लेने में यदि परेशानी होती है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो है अपने विवेक के आधार पर अपने डायग्नोसिस के आधार पर ड्रॉप ये लिखते हैं और उसके बाद हमें देना पड़ता है। देखिए, इसके अंदर जो दवाई है वो लीवोसल्बुटामोल है, उसके बाद एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है, उसके बाद जो है वो तीसरा है ग्यूफेंसिन। अब ये तीनों मिलके कुछ इस तरह से काम करती है कि जो खांसी की स्थिति रहती है, जो सांस लेने में बच्चों को तकलीफ होती है, उस कंडीशन से राहत दिलाती है। देखिए, इसमें एम्ब्रोक्सोल का जो काम है वो कफ को पतला करने का होता है और दूसरा लीवोसल्बुटामोल का जो काम है वो ब्रांकोडायलेटर होता है, यानी वायु मार्ग जो जहाँ से बच्चा सांस लेता है उन नलियों का जब सिकुड़ना होता है तो उसको फैला देता है, इसके कारण आसानी से बच्चा जो है वो सांस ले पाता है। और तीसरा है ग्यूफेंसिन, उसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टोरेंट है ये, यानी कफ जो है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो ग्यूफेंसिन के कारण होती है। तो इस तरह से ये तीनों जो कंटेन होते हैं वो काम करते हैं। अब देखिए, लेने का तरीका ये होता है कि यदि 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो आधा ml से लगा के बस थोड़ा सा ज़्यादा देने का रहता है, यानी 3-3, 4-4 बूंद ये मान के चलिए कि बच्चों को देने का होता है 2-3 बार। और यदि 6 महीने से बड़ा है बच्चा तो इसका सिरप भी आता है, आप ले सकते हैं डॉक्टर की पसंद के बाद, लेकिन यदि इसी ड्रॉप को आप देना चाहें तो लगभग 1 ml के बराबर आप दे सकते हैं। आप देखिए, इसमें जो MRP है वो लगभग 62 रुपये के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं और एरिस्टो कंपनी का बहुत ही शानदार जो है वो ड्रॉप है। इसको रखरखाव में यही है कि 30 डिग्री के ऊपर वाले टेम्परेचर पर ना रखें और जब भी इसका उपयोग करें इसको अच्छे से शेक वेल कर लें, मतलब अच्छे से इसको बॉटल को जो है शेक कर लें ताकि ये जो है रिजल्ट जो है उसका काफ़ी अच्छा आए। अब देखिए, सर्दी खांसी बलगम वाली विशेष रूप से उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और कंपोजिशन तो आपको हम बता ही चुके हैं। ड्रॉप को खोलने के बाद कई बार क्या होता है कि ड्रॉप जैसे आपने इसको ओपन कर लिया उसके बाद 2-3 बार यदि दवाई दी उसके बाद आराम हो गया और फिर आपने दवाई नहीं दी तो ये मान के चलिए कि महीने भर के बाद इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद उसकी पोटेंशी उतनी अच्छी नहीं रह जाती, रिजल्ट फिर उतना अच्छा नहीं रहता। अगली बार यदि जब इस तरह की कोई समस्या हो तो आपको डॉक्टर से फिर संपर्क करना चाहिए। अच्छा, इसे ड्रॉप के बाद यदि उल्टी की स्थिति हो, बच्चे को कब्ज हो जाए या फिर दस्त लगने लग जाए, नोजिया जिसको बोलते हैं, उल्टी वगैरह, इस तरह की जब सिचुएशन हो तो समझिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट है और आप अपने तुरंत उसी समय डॉक्टर से संपर्क करिए और फिर डॉक्टर अपनी पसंद से या तो इस दवाई को बदलेंगे या इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप के ऊपर छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।